हेलो गाइस, मेरा नाम राजकुमार ओझा है और डॉट ओझा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको बताने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता भाग 2 में आत्मा का विषय। बने रहिए साथ में, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के अंदर आत्मा का परिचय। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन है। सृष्टि आत्मा और प्रकृति की मिलन से बनी है आत्मा, और अपरिवर्तनशील सर्वव्यापी अजन्मे व्यक्त और विकार रहित है, लेकिन प्रकृति विकार वाली और परिवर्तनशील है। इस संसार में हमें जो बदलाव दिखाई देता है वह प्रकृति में ही होता है, आत्मा में नहीं है। ये बदलाव आत्मा के आधार से ही होता है। प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व संसार के हर वस्तु में मौजूद हैं। प्रकृति में बदलाव इन्हीं 5 तत्वों वे 3 गुणों से सत्य रज और तम रज की वजह से ही होता है। गीता में जब कहा है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, ना तो कटना, ना तो पृथ्वी तत्व में होता है, जलना अग्नि तत्व में से होता है, और गलना जल तत्व से, और सूखना वायु तत्व से होता है। यह सभी खूबियां 4 तत्वों की हैं और 5वां तत्व आकाश है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। बाकी 4 तत्व जो तत्व आकाश तत्व के आधार पर ही काम करते हैं। आत्मा तो 5 तत्व से परे है, तो कटना, जलना, गलना, वे सूखना, ये सब प्रकृति से बने शरीर को दूसरी वस्तु में संभव है, आत्मा में नहीं है। विज्ञान में इन 5 तत्व को शोध होता है, लेकिन अध्यात्म अंतम तत्व का अनुभव करने की प्रक्रिया, इसलिए जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। धन्यवाद।